हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी के शेयर में तेजी से गिरावट आई है। चंद रोज पहले दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के पायदान पर काबिज गौतम अडानी आज टॉप 20 की सूची से भी बाहर हो चुके हैं। अडानी समूह ने अपने कारोबार को चलाने के लिए SBI सहित LIC से भी लोन लिया है। इस पर अब कांग्रेस ने देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी तारतम्य में आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी कांग्रेस पार्टी ने LIC के सामने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष लखन लाल पटेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस द्वारा रोष व्यापी आंदोलन किया जा रहा है। उसी क्रम में छतरपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने LIC और SBI शाखा के सामने धरना प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि गौतम अडानी के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर जांच कराई जाए, क्योंकि ये जनता का खून पसीने का पैसा है जो मोदी सरकार ने अपने मित्र अडानी को दे दिया है और मोदी सरकार जनता को जवाब दे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हम कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं कि LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये एक ऐड था लेकिन लोगों के दिमाग में घर कर गया। उसके बाद SBI पे लोगों का भरोसा बढ़ गया और आज मोदी जी ने अपनी तानाशाही के चलते, अपने दो मित्रों के चलते पूरे देश को बर्बाद कर दिया। गौतम अडानी जिनमें से एक हैं, लगातार लोगों के विश्वास के साथ ये मोदी सरकार खिलवाड़ कर रही है, लोगों को छलने का काम कर रही है। LIC और SBI जैसी संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। निश्चित तौर पे मोदी सरकार जिम्मेदार है और देश के भविष्य के साथ, भारत के लोगों के साथ, मासूम भूली भाली जनता के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। घोर निंदनीय है और चिंतनीय विषय है कि आखिर मोदी जी के राज में अब और क्या क्या देखने को हमें मिलेगा। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। जो अडानी जी ने को नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता का, लाखों लोगों का खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा जो LIC में और स्टेट बैंक में जमा था, वो अपने मित्र अडानी जी को मोदी जी ने दे दिया है। तो हम पूरे देश में कांग्रेस आज धरना और प्रदर्शन कर रही है। आज जिला कांग्रेस कमेटी छतरपुर भी LIC के सामने और स्टेट बैंक के सामने धरना प्रदर्शन किया और ये मांग करती है कि देश को जवाब दे नरेंद्र मोदी जी, देश की जनता को जवाब दे। जिनका पैसा डूब रहा है, आज अडानी का शेयर डूब रहा है, तो इस देश की जनता का जो खून पसीने की कमाई का पैसा है वो भी डूब रहा है। तो क्या मानते हैं आप, LIC और SBI में जो पैसा जमा है वो डूब जाएगा? वो डूब जाएगा, निश्चित डूब जाएगा, क्योंकि वो पैसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र अडानी को दे दिया है, गौतम अडानी को। तो उनके शेयर डिफाल्टर हो रहे हैं, इसलिए वो शेयर डूब रहे हैं, तो देश की जनता का पैसा भी निश्चित तौर पर डूबेगा। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि अडानी के खिलाफ में कमेटी बैठा करके नरेंद्र मोदी जी उसकी जांच करवाएं, देश को जवाब दें, देश की जनता को जवाब दें। ये भ्रष्टाचार अब चलने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी मैदान में खड़ी है और देश की जनता और कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है कि अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी आप जवाब दो, इन गरीबों का पैसा, देश की जनता का पैसा ना डूबने पाए। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।